हेलो एवरीवन, वेलकम टू शील्ड आईएएस। आई एम ऋषभ गर्ग। आज मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो इस बार यूपीएससी 2021 के पीटी वाले पेपर में आए हुए हैं, और हम कंटिन्यूअसली हिस्ट्री के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो आज आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, तो चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को देखना है, चेक करना है कौन से फैक्ट सही हैं और कौन से फैक्ट इनकरेक्ट हैं। तो पहला देखते हैं, सेंट फ्रांसिस जेवियर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द जेसुइट ऑर्डर। देखिए, जो ये फ्रांसिस जेवियर थे, ये 1542 में इंडिया आए थे। किस जगह पे? गोवा के अंदर। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट है। यहां पे आके, गोवा में आके, इन्होंने जो है जेसुइट ऑर्डर का फाउंडिंग मेंबर ये रहे हैं। रीजन क्या था? रीजन था ताकि जितने भी लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं उनको बैप्टाइज करना। अब देखिए, एक वर्ड मैंने बोला है बैप्टाइज। बैप्टाइज का क्या मतलब होता है? देखिए, बैप्टाइज का मतलब होता है जब किसी इंसान ने या कोई भी धर्म अगर अडोप्ट किया है तो उसको लीगली रिकॉग्नाइज करना। तो बैप्टाइज वर्ड जो है क्रिश्चियनिटी में यूज होता है। तो अगर किसी व्यक्ति ने क्रिश्चियन धर्म को अपनाया है तो जो उस क्रिश्चियन में जो क्रिश्चियनिटी के फादर हैं वो लोग उस व्यक्ति को लीगल रूप से एक्सेप्ट करते हैं कि ये अब क्रिश्चियन बन चुका है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा एंड ए चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम देयर। देखिए, सेंट फ्रांसिस जो जेवियर थे, इनकी मौत एक चाइनीज आइलैंड पर हुई, ठीक है, ना कि गोवा में, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर। देखिए, जब इनकी चाइना के अंदर चाइनीज आइलैंड पर डेथ हुई, उसके बाद इनको वापस गोवा के अंदर लाया गया। इनकी डेड बॉडी को गोवा के अंदर लाया गया और वहां पर इनको दफनाया गया। तो इसीलिए हर साल 3 दिसंबर को इनकी जो डेथ एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, और उसी का नाम है फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर। तो इसीलिए हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया Which one of the following statement is correct? इसमें भी हमें statements check करने हैं। तो देखिए, मिताक्षरा was the civil law for upper caste and दयभागा was the civil law for lower caste। अब देखिए, दो word use किए हैं। जैसे आज के time में हमारा civil law है, ऐसे ही ancient time में हमारा क्या होता था? ये दो, मिताक्षरा और दयभाग, इनके हिसाब से हमारे civil laws decide होते थे। Civil law का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी पैसे से लेन देन से रिलेटेड कोई भी इशू हो गया, मनी मैटर हो गया, इस टाइप के जो इशू है वो सिविल लॉस में कंसिडर किए जाते हैं। तो इसमें पहला दिया है, मिताक्षरा वॉज ए सिविल लॉ फॉर अपर कास्ट और दयभागा वॉज द सिविल लॉ फॉर लोअर कास्ट। देखिए, मिताक्षरा और दयभागा दोनों के दोनों सिविल लॉस अपर कास्ट के लिए ही थे, इसलिए पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, लोअर कास्ट के लिए नहीं थे। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है, द मिताक्षरा सिस्टम द सन्स कैन क्लेम राइट टू द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर, वेयर एज इन द दयभागा सिस्टम इट इज ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर दैट द सन कैन क्लेम राइट टू द प्रॉपर्टी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मिताक्षरा के अंदर कोई भी सन जो है, जब उसका बाप जीवित होता था उसी टाइम प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकता था, और दयभागा के अंदर जब उस किसी भी व्यक्ति के फादर की डेथ हो जाती थी उसके बाद ही वो प्रॉपर्टी में क्लेम कर पाता था, इसलिए सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट दिया है, द मिताक्षरा सिस्टम डील्स विद द मैटर रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय मेल मेंबर ओनली ऑफ द फैमिली, वेयर एज द दयभागा सिस्टम डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। देखिए, दयभागा या मिताक्षरा दोनों में फीमेल और मेल दोनों की प्रॉपर्टी के प्रोविजन थे, इसलिए हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया भावभूति
हस्तिमल्ला एंड केमेश्वरा वर फेमस फॉर, ये पूछ रहा है किस चीज के लिए फेमस थे, तो ये प्ले राइट्स के लिए फेमस थे। ये बेसिकली जो है तीनों के तीनों राइटर थे और डिफरेंट राज्य में जो है अपनी बुक्स वगैरह लिखा करते थे। जैसे केशवा का था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर था, ये कन्नौज के अंदर थे, और ये हस्तिमल्ला जो है बेसिकली कन्नड़ राइटर थे। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसके अंदर दिए हैं, ये मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। द मोंटेग्यू जेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919 रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल द वीमेन अबाउट द एज ऑफ 21। देखिए ये बिल्कुल सही है कि जो 1919 का मोंटेग्यू जेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आया था उसमें वीमेन को 21 ईयर से अबव थी उनको वोटिंग राइट्स दिए गए थे, लेकिन सभी वीमेन को नहीं दिए गए थे। इसके अंदर कुछ कंडीशंस रखी गई थी, वो कंडीशंस हम अपनी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे जब हम मॉडर्न इंडिया में डील कर रहे होंगे। ये क्वेश्चन आपको जो है श्रीड आईएएस की जो मैगजीन है और जो हमारा एग्जाम रिलेटेड स्पेसिफिक बुकलेट्स निकलती हैं उसमें भी ये आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए ओल्ड वर्ल्ड की वजह से ये पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गेव वुमेन रिजर्व सीट इन द लेजिस्लेचर। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, जो 1935 का एक्ट आया था उसमें वीमेन को जो है रिजर्व सीट लेजिस्लेचर के अंदर दे दी गई थी, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया है विद रेफरेंस टू 8 अगस्त ऑफ 1942 इन द इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो चार स्टेटमेंट दिए हैं, पहला दिया है द क्विट इंडिया रिजोल्यूशन वॉज एडॉप्टेड बाई ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। नेक्स्ट दिया है द वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड मोर इंडियंस। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन 7 प्रोविंसेस। नेक्स्ट दिया है क्रिप्स प्रपोज एन इंडिया यूनियन विद फुल ऑफ डोमिनियन स्टेट वंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर। देखिए जो हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट था वो 8 अगस्त को पास किया गया था, कहां पे, बॉम्बे के अंदर, तो इसीलिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।